महाराज, आज मैं रूप बसंत का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। महाराज, बड़ा गमगीन किस्सा है, सुनिए महाराज। चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। अरे हे भगवान, ये तो मेरे बेटा बसंत की आवाज लग रही है। महाराज, दोनों कुमार हंसी खुशी से महलों में रह रहे थे। महाराज, आगे क्या होता है? अरे मारी महलन में रानी की, महलन में रानी है, और रोवे दोनों लाल बहन ननिते पानी। सुनिए महाराज, इधर दुख का वज्र टूटने लगा, लेकिन सुनिए वो राजा कैसा था। अरे भूप को मनोहर सायो है। महाराज, अरे भूप को मनोहर सायो है, और तू जो करके ब्याह भूप में लायो है, नहीं जाता। जैसे ही राजा दूसरी शादी करके लाता है, अरे बुरोबा मौसी ने किया, अरे बुरोबा मौसी ने किया, और भोला रूप कुमार नारी ने दो तो लगाई दी। अरे ये तो निश्चित ही मेरा बेटा बसंत हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारी कहानी है। ए भैया, जरा एक तरफ हटना, मुझे आगे देखने दो, हो सकता है मेरे बेटे मिल जाए। महाराज, आज रूप के ऊपर इल्जाम लगा देती है मौसी। क्या किया राजा ने? अरे जाल रानी ने फैलाया, अरे जाल रानी ने फैलाया, और राजा ले बोलाओ हुकम फांसी को करवाया, ए राजा ले बोलाओ हुकम फांसी।
महाराज लेकर के जल्लाद कुमार को जाने लगे रूप को। क्या होता है महाराज, इधर छोटा भाई बसंत आकर के पिता से विनय करने लगा, लेकिन राजा ने दोनों बच्चों को जल्लादों के हाथों सौंप दिया। अरे धीरा सिंह चाचा आए कि हे भगवान, ये तो ये तेरी कैसी लीला है ऊपर वाले। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरे बिछड़े हुए दोनों लाल निश्चित ही आज हमसे मिल जाएंगे। हे ऊपर वाले, कहा नहीं जाता, लेकिन आज रूप बसंत का किस्सा पूरा सुनाऊंगा महाराज, सुनिए। अरे धीरा सिंह चाचा आए थी, बच्चा ले बचाई घने जंगल में लाए की, तो बच्चा ले बचाई घने जंगल में लाए की। महाराज होनी होनी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, और जंगल में भी क्या हुआ। अरे पिताता कैसो होनो खी, अरे पिताता कैसो होनो खी, और धीर सिंह से बन में बच्चा बिछुड़े दोनों खी, धीर सिंह से दोनों बच्चा बिछुड़े दोनों खी। भैया भैया मुझे आगे जाने दो, ये तो मेरे ही बालक हैं। भैया मुझे आगे जाने दो महाराज, वहां पर चाचा भी छूट जाता है, दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। अरे रूप पानी कौन धायो है, अरे रूप पानी कौन धायो है, छोटा ब्रात बसंत वहां बिशियर ने खायो खे, पिता छोटा राजा कुमार वहां बिशियर ने खायो खे। और महाराज अरे कफन को मांगन भी का गया, देखिए महाराज कितनी कितनी औखा पड़ी। अरे कफन को मांगन भी का गया, और एक नगर में जाई रूप तब राजा तुरंत भयो, एक नगर में जाई रूप तब राजा तुरंत भयो। महाराज मैंने पलटा तबलिया, अरे मैंने पलटा तबलिया, एक साधु ने आके वहां पे बसंत को जिंदा कर दिया। हमारा महाराज बसंत जिंदा हो जाता, बसंत आगे बढ़ा, क्या होता है महाराज सुनिए। अरे कुमार मार्ग में आयो खे, अरे कुमार मार्ग में आयो खे, और कछुआ में को चलो ये सौदागर पायो खे, एक कछुआ में को बढ़ो ये सौदागर पायो खे। महाराज थोड़ा सा समय और बसंत का उसी का आया, तो उसमें भी क्या होता है। अरे कुमार को ब्याह भयो भाई, अरे कुमार को ब्याह भयो भाई, और मन में खुशी अपार तू
सुंदर एक ब्याई, ए मन में खुशी अपार दुल्हनिया सुंदर सिपाही। हे विधाता, ये तो मेरे पति मेरे स्वामी की आवाज है। हे भगवान, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। लेकिन सुनिए महाराज, महाराज ये किस्सा तो हमारा ही है। उस सौदागर नीच ने क्या किया? अरे देख सौदागर मगन भैया, अरे देख सौदागर मगन भैया, और नियत भई खराब कुमार नदिया में डार दया। नियत भई खराब कुमार नदिया में फेंक दया। ये तो मेरी कहानी आ गई। महाराज 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 बंद कर लो, बंद कर लो महाराज। अब हम किस्सा नहीं सुनना चाहते हैं। बस नहीं सौदागर, नहीं महाराज, बस हमने किस्सा सुन लो। किस्सा पूरा होगा, हम रूप बसंत का किस्सा पूरा सुनना चाहते हैं। ठीक है महाराज। मंत्री जी महाराज, सौदागर को बिठाया जाए। ये सौदागर भाग रहा है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, ये भाग रहा है। महाराज क्या होता है? अरे नदी पे धोबी आयो है, अरे नदी पे धोबी आयो है, और लीनो कुमार निकार तुरंत घर अपने लायो है। ए लीनो कुमार निकार तुरंत घर अपने लायो है। दोविनी मज्जा परंग न मरवाए रवरी। अरे क्यों ना मरंगी सुखला मैं मज्जा बात चली वाली बहुत ही लगे दिया मैं उनके बात चली। और सुनिए महाराज, अरे सुनो सब श्रोता गड़वानी, अरे सुनो सब श्रोता गड़वानी, सौदागर पे मान बसंत की राखी रहो रानी, जी सौदागर पे मान बसंत की राखी रहो रानी। भैया भैया बसंत, ये तो मेरे ही बेटा है। बेटा बसंत, बेटा बसंत, चाचा स्वामी बेटा बेटा रू चाचा, बेटा बसंत आकर मेरे गले लग जाओ बेटा। चाचा तो मेरी बाजी